Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing well. In today's video lecture, this is going to be the last part of exercise 6.2. Almost सारे questions इस exercise के मैंने आप लोगों के साथ discuss किए हैं. Last exercise के कुछ questions थे. एक question जो है वो आप लोगों का है, question number 16. Find the first four terms of a series of which the sum to n terms is 1/2n7n-1. मतलब हमें क्या निकालना है, first four terms निकालनी है एक series की जिसका उन्होंने हमें sum दिया हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है. ये क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी 16. ठीक है, एस एन हमारे पास क्या होता है, हाफ एन सेवन एन माइनस वन. ठीक है, अब इन्होंने मुझे दिया हुआ है, अब मुझे निकालना है फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है. यानी अगर मुझे टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर निकालना है, तो इनको निकालने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर निकालूंगी. जब मैं, और इसकी वजह भी आप लोगों को आगे समझ में आएगी कि क्यों कर रही हूँ मैं. एस वन जब मैं निकालूंगी तो 1/2 1 7 × 1 - 1 सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा. ठीक है, जब मैं एस टू करूँगी तो 1/2 2 7 × 2 - 1. और इसी तरह जब मैं एस थ्री करूँगी तो 1/2 आंसर मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, ये तो मेरे पास 13 हो जाएगा. ये 3 7 × 3 - 1 ये मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा. फिर मैं करूँगी एस फोर के लिए, एस फोर के लिए करूँगी 1/2 4 7 × 4 - 1 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा. अच्छा देखो, अब अगर मुझे जैसे, अब मुझे जैसे टी वन निकालना है तो टी वन मैं किस तरीके से निकालूंगी, टी वन मेरे पास हो जाएगा एस टू, टी वन मेरे पास क्या होगा, एस वन ही होगा. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट, जब हम लोग काफ़ी सारे नंबर को सीरीज लिया, ये मेरे पास है फर्स्ट टर्म है, तो एस वन मेरे पास यही होता है. जब मैं एस टू की, जब मैं एस टू की निकाल ली होती हूँ तो उसका मतलब होता है एस टू में मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ. जब मैं एस थ्री निकाल ली होंगी, जब मैं एस थ्री निकालूंगी तो उसका मतलब होगा एस थ्री के लिए मैं इन तीनों को ऐड कर रही होंगी. तो अगर मैं एस वन, तो एस वन मेरे पास वही होगा जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट करो, ये मेरे पास टी वन है, ये मेरे पास, चलो मैं एक और तरीके से समझाती हूँ. जैसे देखो, ये मेरे पास है फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास है सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है और ये मेरे पास है फोर्थ टर्म. ठीक है, अब मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वही मेरे पास एस वन है, क्योंकि एस वन में हमारे पास सम करे होंगे. एस वन की बात करें इसका मतलब है मेरे पास फर्स्ट टर्म ही आ रही. लेकिन अगर मैं एस टू की बात कर रही हूँ तो उसका मतलब है मेरे पास ये दोनों आ रहे हैं. एस टू का मतलब है मैंने दो टर्म्स का सम लिया. जब मैं एस थ्री की बात कर रही होंगी तो मेरे पास, जब मैं एस थ्री की बात करूँगी तो मेरे पास ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी. और जब मैं एस फोर की बात करूँगी तो मेरे पास ये चारों टर्म आ जाएंगी. तो टी वन मेरे पास क्या हो गया, एस वन हो गया. एस वन मेरे पास क्या आया था, 3 आ गया था. अब मैं ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए तो मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ. टी टू, अब टी टू की अगर मैं बात कर रही हूँ तो टी टू मेरे पास क्या हो जाएगा. अब टी टू मुझे निकालना है तो वो मैं किस तरीके से निकालूँगी, एस टू माइनस एस वन. एस टू मतलब मुझे सिर्फ ये टर्म चाहिए, मेरे पास या तो इसका सम है या इन दोनों का सम है. अगर मैं इन दोनों में से, अगर मुझे सिर्फ ये चाहिए होगा तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा. तो टी टू मेरे पास कैसे आ जाएगा, एस टू माइनस एस वन. एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 - 3 विच इज़ इक्वल टू 10. अब अगर मुझे टी थ्री निकालना है, अब टी थ्री निकालने के लिए, टी थ्री समझो मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एस थ्री में से अगर मैं इस पूरे में से सिर्फ इतना माइनस कर दूँ तो मेरे पास टी थ्री आ जाएगा. तो टी थ्री मेरे पास क्या हो जाएगा, एस थ्री माइनस माइनस एस टू विच इज़ इक्वल टू 13 - 13 विच इज़ इक्वल टू 17. और इसी तरह जब मैं टी फोर निकाल ली होंगी तो इसमें से सिर्फ ये चाहिए होगा, तो उस पूरे में से मुझे एस फोर को निकालना है. यानी एस फोर माइनस एस थ्री इक्वल टू 54 - 30 विच विल गिव द आंसर ऑफ 20. तो इस तरीके से हम लोगों ने सम निकाल लिया. ठीक है, ये तो इसका सोल्यूशन है. एक और क्वेश्चन है आखिरी वाला, नहीं सॉरी 18, क्वेश्चन नंबर 18 है जो मैं आप लोगों के साथ अभी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगी. हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी. ठीक है, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 18. इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, लेट मी शो यू गाइज द बुक. द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ टू ए पीज एज 18 वाला नहीं, मैं अब आप लोगों को बस 19 वाला करवाऊँगी. द फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एक्सीड 5000.
अब यानी हमें SN हमें क्या दिया हुआ है, इसमें इन्होंने 5000 दिया हुआ है, तो यानी SN मैंने कह दिया 5000 है, और हमें देखना है वो किस किस टर्म पे हमारे पास जो है 5000 से सम एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। और ऑड नेचुरल नंबर जिन्होंने हमें कहे हुए, एक तो ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर में किसी सीरीज में बस कहेंगे 1 + 3 + 5 + 7 और ये इस तरीके से जाता जाता मेरे पास 5000 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो, सॉरी 5000 तो सम है हमारे पास एन टर्म्स तक जाएगा ना, क्योंकि हमें टर्म्स निकालनी है जिन टर्म्स पे मेरा सम जो है, कितने टर्म्स पे मेरा सम जो है वो 5000 से एक्सीड कर जाएगा। आई होप माई आई क्लियर द कॉन्सेप्ट टू यू गाइस। देखो अब ए जो है वो मेरे पास 1 है, डी मेरे पास क्या है 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, एस एन आर बस होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन तो मेरे पास एन ही रहेगा, ठीक है। एस एन की जगह मैं 5000 लिख दूंगी, एन अपॉन टू टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5000। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वायर, एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट कर लो दोनों साइड्स पे तो 70.7 आ जाती है, ठीक है। ये मेरे पास एन की वैल्यू आ गई। अब इस एन की वैल्यू यानी मेरे पास समझो 70.7, ये समझो मैं इसको 71 कह दिया, 70.7 को हम 71 काउंट करेंगे। इसका मतलब है 71 टर्म्स वो फर्स्ट सबसे लीस्ट टर्म जो होगी, जितने को मैं अगर ऐड करूँ कोई 5000 से एक्सीड कर जाए तो वो 71 टर्म्स है। मतलब इतने आंसर पे आपके पास जो है ये वो लीस्ट वैल्यू है जिस पे आपका आंसर जो है वो 5000 से सम एक्सीड कर जाएगा। यहाँ हमारे पास ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो लेक्चर इस पूरे एक्सरसाइज में 6.2 में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिलीवर किए, इसके बहुत सारे पार्ट्स बने थे, लेकिन फिर क्वेश्चंस भी बहुत सारे डिस्कस हो गए आप लोगों के साथ। इंस्टेंट काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करूंगी। फॉर एनी क्यूरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।